हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है शैवालों में लैंगिक जन्म। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने शैवालों के जनन में कायिक एवं अलैंगिक जनन पढ़ा है और अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शैवालों में लैंगिक जनन। स्टूडेंट्स, ये वीडियो BSc फर्स्ट ईयर एल्गी ब्रायोफाइट्स और लाइकेन बुक से है और टॉपिक जनन का ही चल रहा है शैवालों में। सबसे पहले हम बात करें शैवालों में लैंगिक जनन की, तो शैवालों के कुछ क्लासें ऐसी हैं जिनमें लैंगिक जनन बहुत कम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, जैसे कि क्रिप्टोफाइसी एवं युगलिनोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी एवं युगलिनोफाइसी में लैंगिक जनन बहुत ही कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कम। किस किस में? क्रिप्टोफाइसी में और युगलिनोफाइसी में। दूसरी बात, साइनोफाइसी में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। क्रिप्टोफाइसी और युगलिनोफाइसी में बहुत कम पाया जाएगा, प्राय बहुत कम, एकाध दो चार जीवों में पाया जाता है, दो चार पादपों में पाया जाता है, लेकिन साइनोफाइसी में तो बिल्कुल ही अनुपस्थित होता है लैंगिक जनन। बात करें युग्मकों की संरचना एवं कार्य के आधार पर लैंगिक जनन के कुछ प्रकार हैं। युग्मकों की संरचना एवं कार्यों के आधार पर लैंगिक जनन के चार प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? चार। पहला प्रकार है स्टूडेंट पूर्ण युग्मन होलोगैमी, दूसरा प्रकार है स्वयुग्मन ऑटोगैमी, तीसरा प्रकार है समयुग्मन आइसोगैमी और चौथा प्रकार है विषम युग्मन यानी कि हेट्रोगैमी। फिर हेट्रोगैमी के भी प्रकार हैं। इस प्रकार से युग्मकों की संरचना एवं कार्य के आधार पर लैंगिक जनन मुख्यतः चार प्रकार का हो जाता है। पहली बात करते हैं पूर्ण युग्मन के बारे में। स्टूडेंट्स, पूर्ण युग्मन होलोगैमी में होता क्या है? जनन के लिए दो युग्मक बनते हैं। ये युग्मक एक तरह से दोनों हैं जो दिखने में समान दिखाई देंगे और दोनों ही एक दूसरे में पूर्णता, यानी कि दोनों ही एक दूसरे में पूर्णता क्या हो जाते हैं, एक तरह से संलग्न हो जाते हैं, फ्यूजन उनका हो जाता है। इसीलिए इस जनन को पूर्ण युग्मन कहा जाता है। पूर्ण युग्मन का मतलब युग्मकों का पूर्ण रूप से एक दूसरे में फ्यूजन होना, संलग्न होना। जैसे कि ये हमारे दो युग्मक थे, एक को हमने नर युग्मक मान लिया, दूसरे को मादा युग्मक मान लिया। भाई सीधी सी बात है, लैंगिक जनन के कुछ विशेष लक्षण क्या हैं? पहली बात, दोनों युग्मक बनते हैं। दूसरी बात, युग्मकों क्या होता है, एक तरह से फ्यूजन संलग्न होता है। तीसरी बात, निषेचन की प्रक्रिया होती है। चौथी बात, इसमें जायगोट का निर्माण होता है, एक तरह से युग्मनज का निर्माण होता है। पांचवी बात, इसमें एक तरह से जो युग्मनज बनने के बाद है, जो भ्रूण अवस्था के तौर पर क्या होगा, आपके ऊ स्पॉट्स जैसी संरचनाएं बनेंगी। तो ये हमारा नर युग्मक मान लिया, दूसरा मादा मान लिया, चाहे ये नर मान लिया चाहे मादा मान लिया, इसमें ज़्यादा विभेद नहीं होता है क्योंकि इनकी संरचना है वो ज़्यादातर कैसी होती है, समान दिखाई देती है। इसमें कशाविकाएँ पाई जाती हैं, यदि कशाविकाएँ पाई जा रही हैं तो युग्मक कैसे होंगे, चल प्रकार के होंगे, यदि कशाविकाएँ नहीं पाई जाती हैं तो अचल प्रकार के या अचल प्रकार के होंगे और नर वाले को फिर मादा वाले के पास आना पड़ेगा। बात करें, ये देखो दो अपने नर, एक तरह से नर और मादा युग्मक हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर एक तरह से सामने आए, एक दूसरे में क्या हो गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद एक दो तीन चार यहाँ पे ये हमारे जो चारों एक तरह से इसके केंद्रक थे, चारों कशाविकाएँ थी, वो संलग्न हो गई, पूर्ण रूप से क्या हो गई, युग्मित हो गई और अंततः बना क्या, जायगो स्पोर नामक संरचना बनी। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, पूर्ण युग्मन कहेंगे, होलोगैमी कहेंगे, यानी कि कम्प्लीटली गैमिट्स आर फ्यूज्ड इन दिस कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड होलोगैमी रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, सवयुग्मन ऑटोगैमी। सवयुग्मन क्या होता है बच्चों? ऑटोगैमी कुछ डायटम्स में यानी कि डायनोफाइसी में
कुछ डायप्टम्स में पाए जाने वाली इस क्रिया में एक कोशिका की दो पुत्री केंद्रकों में संलग्न होता है। इस क्रिया में बाह्य जीनों का समावेश न होने के कारण नए लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होती है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार की क्रिया में होता क्या है, स्वयुग्मन की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। स्वयुग्मन में एक जनन कोशिका है, वो जनन कोशिका दो भागों में क्या होगी, विभाजित होगी। दो पुत्री कोशिकाओं में क्या होगी, विभाजित होगी। उस एक कोशिका की दो पुत्री कोशिकाएं विभाजित होने के बाद आपस में क्या होती हैं, संलग्नित हो जाती हैं, फ्यूजन उनका हो जाता है, और संलग्न होने के बाद वो नए एक तरह से शैवाल का निर्माण करती हैं। इसमें खास बात क्या है कि इसमें कोई भी नए जीन का समावेश नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई भी लक्षणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसके पैतृक लक्षण थे ऐसे इसके संतति लक्षण होते हैं। लेकिन इसको हमने स्वयुग्मन क्यों बोला, क्योंकि वही पैतृक कोशिका आप पहले विभाजित हुई, विभाजित होने के बाद उसने दो पुत्री कोशिका का निर्माण किया। उन पुत्री कोशिकाओं में से एक तो नर थी, दूसरी क्या थी, मादा थी, और उन दोनों नर एवं मादा का फिर आगे जाके क्या हो गया, एक तरह से संयुग्मन हो गया। संयुग्मन होने के बाद एक तरह से उन्होंने नए शैवालों का निर्माण किया। एक ही पैतृक से हुए हैं तो इसलिए उनमें कोई भी नए लक्षण नहीं आते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। थर्ड बात करते हैं हम नेक्स्ट, समयुग्मन। ये तो स्वयुग्मन था, अब बात करेंगे हम समयुग्मन के बारे में।